मुंबई 1980, सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा, गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से लहरा देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylive.com। कुमार प्रताप, हमारी तरफ देखिए, हम भी आपकी आंखों में देखकर वो भाषा पढ़ना चाहते हैं जो चीजा ने पढ़ ली है। ऐसा क्या है जो हमें नहीं दिख रहा? देखिए हमारी तरफ कुंवर प्रताप, दिखाइए आपकी आंखें। बस बस, बस कीजिए आप लोग। भगवान के लिए बंद कीजिए ये सब। रानी मां, आश्रय का पात्र बना दिया है आपने हमें सबके सामने। आपने आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा का निर्णय ले लिया, जिसके विजेता का पुरस्कार हमें बना दिया। क्यों रानी मां, किस आधार पर किया आपने ये सब? क्या हमने आज तक आपसे किसी भी लड़की के लिए कुछ भी कहा? बल्कि हमने तो सबको विपरीत कहा था रानी मां। हमने तो कहा था कि इन सभी राजकुमारियों में से किसी में भी हमारी कोई रुचि नहीं। क्यों आपने हमें सबके लिए हास्य का पात्र बना दिया रानी? क्यों? क्या सदा आप लोगों का आज्ञाकारी बने रहने का दंड दिया जा रहा है? कुंवर प्रताप, आपकी रानी मां आपको जानबूझकर दुख दे या आपको अप्रसन्न देखना चाहे, ऐसा हम नहीं मान सकते। आपका विवाह हो जाएगा ना, उसके बाद संभवतः ये जो कुछ भी आपकी रानी मां कर रही है वो बंद हो जाएगा। हमें करना ही नहीं है विवाह। विवाह ना ही अजब देश से और ना ही फूल कवर से। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, पर एक बार फिर कह रहे हैं हमें विवाह नहीं करना, और हम इस विषय पर कोई भी वाद विवाद नहीं चाहते। बस भाग पाएंगे हमसे दूर? उत्तर दीजिए हमारा। हम जानते हैं आप ये सब किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए ना, ताकि हम आपको किसी भी बात के लिए धन्यवाद ना कह पाए। धन्यवाद? हाँ, जब भी हमारा स्वाभिमान संकट में पड़ा है, आपने सदा ढाल बनकर उसकी रक्षा की है। मतलब आप हमारी जीत से सहज हैं? हाँ जबते, हम बिल्कुल सहज हैं और हम तो बहुत प्रसन्न भी हैं। हाँ, मतलब झूठ क्यों कहें, हम भी मन में प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, किंतु तब नहीं जब हम ये जानते हो कि हम अजबते से हारने वाले हैं। और वैसे भी अजबते, आपके जीतने से हम तो कुछ भी नहीं हारेंगे। अर्थात? हमारा तात्पर्य है कि हम तो बहुत ही संतुष्ट हैं आजबते कि आप जीती, वरना अगर कोई और राजकुमारी होती तो लड़ना ही पड़ता उससे, है ना? किंतु आपसे कैसा झगड़ा? और वैसे भी आपको कौन सा कुंवर प्रताप से विवाह करना है कि नहीं? हमने कुछ गलत क्या किया? जब दे, हम कितनी सरलता से आपको चिंता में डाल देते, आप इतने भोले क्यों हैं? अच्छा दे, जब हम नहीं सोच सकते आपके और कुंवर प्रताप के विवाह के बारे में, तो आप कैसे सोचेंगी? और अच्छा दे, हम जानते हैं कि यदि आपसे कोई आके कहे भी ना कुंवर प्रताप से विवाह करो, आप तब भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे, पसंद हम करते हैं कुंवर प्रताप को और विवाह आप करें, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता,
और अब कभी नहीं करेंगे ऐसा, कभी नहीं। देख लिया चीजा, ना कुंवर प्रताप अजब देखो पसंद करते हैं, ना अजब दे कुंवर प्रताप को। जो बातें आपने कुंवर प्रताप की आंखों में पढ़ ली, उन बातों का ज्ञान तक नहीं है उन्हें। आप जो चाहे कर ले, किंतु हम कुंवर प्रताप को बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। जो सुख हम उन्हें देना चाहते हैं, उसे दिलाकर ही रहेंगे। किस सुख की बात कर रही हैं आप चीजा? यदि अजब दे आपकी परछाई है तो वे कुंवर प्रताप से कभी विवाह नहीं करेगी, और यदि नहीं है तो बहू के रूप में आपको उनसे कोई सुख नहीं मिलेगा। इस स्थिति में तो दोनों तरफ जीत हमारी है। कुछ महसूस हो रहा है खान बाबा? महसूस तो हो रहा है शहंशाह। पूरे हिंदुस्तान की सियासत में बड़ी ही तेजी के साथ बह रही है बदलाव की हवा। क्या बदलाव? मिल जाइए हमारे साथ तो बच जाएंगे, वरना वरना क्या बादशाह अकबर, आप हमारे ही महल में आकर हमें धमकी दे रहे हैं। धमका नहीं रहे, समझा रहे हैं, और वो भी एक दोस्त की मानी। वैसे आप दोनों ने यहाँ आकर कोई साहस नहीं दिखाया है, भयंकर मूर्खता दिखाई है। शहंशाह हिंदुस्तान, आप हमारी पकड़ में हैं। ऐसा ही होता है जब आप किसी बच्चे के हाथ में पूरा राज्य सौंपते हैं। अभी भी मौका है आपके पास, मान लीजिए बिना हमसे लड़े अपनी शिकस्त, कर लीजिए मंजूर हमारी मातहती। जवाहरलाल शहंशाह, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है आपको? देख लीजिए, पूरी तरह से घिर चुके हैं आप। शहंशाह, हम छोड़ेंगे नहीं आप दोनों को, जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बाकी है। हम आपसे लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हमने कहा था ना शहंशाह, हमें अपना रास्ता आजमाने दीजिए। शुक्रिया। मऊ, जैतपुर, ग्वालियर, सभी जगह मुगलिया परचम फहरा रहा। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान पर हमारी बादशाहत होगी। आप लोग जाइए, हम कर लेंगे। हमने कहा जाइए। वो इसलिए धीर भाई जी, क्योंकि आप प्रताप की आंखों को पढ़ ही नहीं पाते। यदि पढ़ सकते तो समझ जाते। कुंवर प्रताप, हम भी आपकी आंखों में देखकर वो भाषा पढ़ना चाहते हैं जो चीजा ने पढ़ ली है। दिखाइए आपकी आंखें। बस, बस।
देख सकते हैं उनकी आंखों में, वो चाहते हैं अजब देखो और अजब दे भी। कहां कहां नहीं ढूंढा हमने आपको प्रताप, अपने रानी माँ पर इतने क्रोध में हमने पहली बार देखा है प्रताप। रानी माँ, आज से पहले आपने भी तो कभी हमारा उपवास नहीं बनवाया था। किसके सामने बनवाया हमने आपका उपवास? हम ही लोग तो आपस में बात कर रहे थे, हम, आपके दाजीराज और छोटी माँ। आप फिर भूल कर रही रानी माँ, उसे सब पता है। किसे? किसी को भी नहीं। नहीं नहीं, बताइए बताइए किसके सामने आपका बन गया है उपहास? अजब दे रानी माँ, और क्या? आंखें झुकाने से मन की बात नहीं छुपती है प्रताप, क्योंकि पहली बार जब हमने आपको उन्हें देखते हुए देखा था, हम समझ गए थे अजब दे के बारे में आपके मन में विशेष अनुभूतियां हैं। क्यों आपका मन बार बार जो कह रहा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं? क्या हम नहीं देख पा रहे हैं कि अपने मन से लड़कर कितना छटपटा रहे हैं आप? क्या हम नहीं देख पा रहे हैं कि जब केवल अजबदया आपके आसपास रहती है तभी आपके मुख पर मुस्कान आती है? जब से आप अजबदया के साथ इस महल में आए हैं आप उद्विग्न हैं, आपकी आंखें सदैव उन्हीं को ढूंढती हैं। यदि आपको हमारी रानी माँ होते हुए ये सब समझ आ गया है तो फिर उस लड़की को क्यों नहीं समझ में आता है रानी माँ? क्यों वो जानबूझकर हर बार हमसे लड़ती रहती है? क्यों वे जानबूझकर हमें दुख देती रहती है? हर पल हम अपराध बहुत से घिरे रहते हैं रानी माँ, क्यों करती है वो ऐसा रानी माँ, क्यों? क्योंकि वे इस सच को स्वीकार करने से डर रही है। जब आप इतने परमवीर होकर झिझक रहे हैं तो वो तो एक लड़की है, जरा सोचिए अपने मन के इस कोमलतम भाव को स्वीकार करने में कितनी कठिनाई होती होगी उन्हें। आपके कहने का अर्थ वो भी हमारे प्रति उतना ही खिंचाव अनुभव करती है जितना हम उनके प्रति करते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है जब आप उनके आसपास नहीं रहते तब विचलित रहती हैं वो। सारी दासियां केवल बहाने ढूंढती हैं, कितने अच्छे अच्छे पुष्प नहीं है, और देखिए जब हम स्वयं ढूंढने निकले पुष्प तो मिलेगी नहीं अच्छे पुष्प हमें। जब केवल अजबदया आपके आसपास रहती है तभी आपके मुख पर मुस्कान आती है। जब आप उनके आसपास नहीं रहते तब विचलित रहती हैं वो। क्षमा कीजिए वो। अच्छा अजब दे कहाँ है? आंगन में।
तो बस आपको बधाई देना चाहते थे प्रतियोगिता जीतने के लिए। बधाई आप दे चुके हैं और वैसे भी वो फूल की जीत थी। किंतु अजब दे, सबके सामने पुतला तो आप ही ने तोड़ा था ना। हमने जो भी किया फूल के लिए किया, इसलिए जीत फूल की मानी चाहिए और अब आपको फूल से ही विवाह कर लेना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता जब तक। क्यों नहीं हो सकता कुंवर प्रताप? क्योंकि एक तो फूल ने प्रतिस्पर्धा नहीं जीती और दूसरा हम ही नहीं चाहते उनके साथ विवाह करना। कुंवर प्रताप, हम आपसे निवेदन करते, हम आपसे हाथ जोड़ते, कृपया करके उनसे विवाह कर लीजिए। आपको पता नहीं मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम करती। हम जानते हैं, किंतु हम उन्हें इस दृष्टि से नहीं देख सकते चलते। नहीं कुंवर प्रताप, आपको देखना पड़ेगा। क्या मतलब देखना पड़ेगा? आप कौन होती हमें बताने वाली कि हम किससे विवाह करें किससे नहीं? हमें पता है कुंवर प्रताप, क्यों आप उनसे विवाह नहीं करना चाहते। तो फिर बताइए, हम भी तो सुने, क्या जानती है आप? हमें नहीं पता, विवाह आपको करना है तो निर्णय लेने का भी अधिकार आपका होता है। हम कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले, हमें जाने दीजिए कुंवर प्रताप। किंतु अभी अभी आप कारण बता रही थी अजब दे। बताइए अजब दे। चलिए हम ही बता देते कि क्यों नहीं कर सकते हम फूल कवर से विवाह। तो फिर बताइए क्यों नहीं करना चाहते आप उनसे फिर? क्योंकि फूल वो नहीं जिसे देखकर हम सब कुछ भूल सके, क्योंकि फूल वो नहीं जिसे देखकर हम अपने दिन का आरंभ करना चाहें, क्योंकि फूल वो नहीं जो हमारा ऐसा ध्यान रख सके जैसे हम उसके सब कुछ हों, के फूल वो नहीं जो हमारे परिवार के सामने हमारी किसी भी भूल या हमारी किसी भी कमी के लिए हमें कुछ कहने का साहस कर सके, क्योंकि फूल वो नहीं जो हमें देखकर लजा सके, क्योंकि फूल वो नहीं जो हमारी आंखों से आंखें भी ना मिला सके जब हम उसके सामने खड़े हो, और फूल वो भी नहीं जो रात भर जागे जब हम जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हो। फिर तो आपको ऐसी कन्या मिलने से रही। हमें मिल चुकी है। क्या कहा आपने? वही जो सुना, जो सुना। हमें मिल चुकी है, मिल चुकी है। और हमारे सामने खड़ी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।